आज देखिए अदालत में। किडनैपर है ये, 2 साल की बच्ची को अगवा किया इसने। जिस गाड़ी में सतपाल का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी की डिक्की से एक लाश भी मिली, जिसके बाद से वो अब तक कोमा में। पहली बार आप एक बेहोश आदमी का केस ले रहे हैं। आप कब तक एक बेहोश बेजुबान की जान बचाते रहे? मिस्टर पाठक, आप अपने क्लाइंट की मौजूदगी के बिना उसका केस कैसे लड़ेंगे, वो भी एक मर्डर और किडनैपिंग का केस। लाख के नोट। क्या हो गया? 240 रुपया किलो। 240 रुपए किलो, क्यों इतना महंगा? अरे साहब, वाशिंगटन एप्पल है, इंपोर्टेड, अमेरिका से आता है ना, स्टिकर देखिए। वॉशिंगटन? अब इस स्टिकर को अगर हमारे सर पे लगा दिया तो क्या तुम भी वॉशिंगटन के हो गए? ये एप्पल वॉशिंगटन से नहीं, वर्धा के घरचोली गांव से आया, 21 दिन पहले। आपको कैसे पता? हाँ, क्योंकि इस स्टिकर पे जो गोंद लगी है वो चावल की लोई से बनी हुई, देसी गोंद, देसी एप्पल, और इस पर जो कीटनाशक छिड़का है मालाथियन, वो वर्धा के उसी गाँव में बनता है। अब बोलो क्या भाव? 160 रुपए किलो, लेकिन माल बिल्कुल ताजा है। वेरी गुड, ले ले वरुण एक। तो एप्पल को सूंघकर आपने कैसे बता दिया कि वो कहां से और कब आए थे? एप्पल को सूंघकर नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कहा। एप्पल जिस डब्बे पर रखे हुए थे उस डब्बे पर वर्धा घरचली गांव का एड्रेस और ट्रांसपोर्ट की तारीख। कभी कभी सामने जो चीज़ हो उससे थोड़ा और आगे देखो तो सत्य दिखाई देता। वरुण, गाड़ी ला, इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। माफ करना साहब, मेरे वजह से आप लोगों को इतना प्रॉब्लम हो गई, बहुत सॉरी है। देखिए आप बस शांति से लेटे रहिए, बहुत जल्द अस्पताल पहुंच जाएंगे। साहब, मेरा इलाज के खर्चे का चिंता मत करना, मेरे जेब में पर्स और लाइसेंस है साहब, उसमें मेरा पता है और थोड़ा पैसा भी। आप इन सब बातों की चिंता मत करिए, बस लेटे रहिए चुपचाप। आन्या, आन्या बेबी, मैं एक तो दिल का दौरा और ऊपर से ये एक्सीडेंट के इंपैक्ट ने उनके बॉडी विस्कर को पूरी तरह से हिला दिया है और उसी ट्रोमा से ये बेहोशी में। डॉक्टर, इसे होश में लाइए, एक मासूम बच्ची की जान है इस कमीने के हाथ में। और तुम केड़ी, अभी से शुरू हो, हमेशा मुजरिम को पकड़ने के बाद उसे छुड़ाते हो, लेकिन इस बार इसे पुलिस के आने से पहले ही बचा लिए। मुजरिम मतलब? किडनैपर है ये, सतपाल सिंह यादव, जिसके यहाँ ड्राइवरी करता था उसी की 2 साल की बच्ची को अगवा किया इसने, और एक दिन से पुलिस से फरार है। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी अपहरणकर्ता हो सकता है। और ये तुमने इसके जूते देखकर पता कर लिया है? जूतों से व्यक्ति का कैरेक्टर पढ़ा जाता है। साहब, जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी की डिक्की में
पता कर कौन है। सखपाल डिग्गी में लाश लेकर भाग रहा था, अब तो किडनैपिंग के साथ साथ मर्डर केस में बंदर गया। सर, बिना कोई सवाल किए आप कैसे कह सकते हैं कि वो निर्दोष है, सिर्फ उसका उल्टा जूता देखकर? केवल उसके उल्टे जूते देखकर नहीं वरुण, उसका स्वभाव देखकर। तुझे याद है जब उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे क्या कहा था उसने? माफ करना साहब, मेरे वजह से आप लोगों को इतना प्रॉब्लम हो गया, बहुत सॉरी है। ऐसा केवल वही व्यक्ति कह सकता है जो स्वाभिमानी हो, खुददार हो। ऐसा आदमी मुझे नहीं लगता किसी बच्ची को अगवा करके फिरौती मांगेगा। और गाड़ी में वो लाश? इस प्रश्न का उत्तर तो सकपाल देगा जब होश में आएगा। तब तक उसके परिवार के बारे में, उसके आगे पीछे के बारे में जानकारी प्राप्त कर। सर, पहली बार आप एक ऐसे आदमी का केस ले रहे हैं जिसने अपनी सफाई में आपसे एक वर्ड नहीं कहा, एक बेहोश आदमी का केस। सर, उसकी एक बात से आप कैसे कह सकते हैं कि वो 100% इनोसेंट है? हाँ, लेकिन 100% ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो निर्दोष नहीं है। वैसे भी हमारा संविधान कहता है everyone is innocent until proven guilty। मतलब अब वो बेहोश ड्राइवर का केस तुम ड्राइव करोगे? किडनैपिंग का क्या चक्कर है? वो छोटी बच्ची है का? गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आपके पुराने ड्राइवर की है? जी मिस्टर पाटिल, जगमोहन सिंह हमारा पुराना ड्राइवर था। बीमारी की वजह से उसको ये जॉब छोड़ना पड़ा और अपनी जगह पे 2 महीने पहले उसने अपने भतीजे को रखा था, सतपाल सिंह। ये चाचा भतीजे दोनों इस किडनैपिंग में मिले हुए हैं। शो आपकी बेटी आनिया घर से किडनैप हुई? जी, मैं जॉब पर गई थी और मेरे हस्बैंड रवि और आनिया दोनों घर पर अकेले थे। मिस्टर पाटिल, उस वक्त अन्या हॉल रूम में बैठी खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैं अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रहा था। बेसिकली आई एम अ पेंटर। अन्या, दीदी आप प्लीज मत रो, आप देखना आन्या एक ही दिन में मिल जाएगी। वो जहां पर भी है बिल्कुल सेफ है। आपको कैसे पता? योगिता टैरो कार्ड रीडर है और उसे देखकर भविष्य बता सकती है। मैंने कार्ड्स पढ़े हैं मिस्टर वरुण, आन्या जहां पर भी है बिल्कुल सेफ है और वो मिल जाएगी। हाँ, सखपाल के होश में आते। वैसे वो गाड़ी MH03RFD335 वहीं थी जिसमें सखपाल का एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे सामने। सर, ये तो मेरी गाड़ी है। इनफैक्ट उस दिन वो छुट्टी पर था और उसने मुझे चाबी दी नहीं थी। अब मुझे पता चला कि वो चाबी उसने मुझे क्यों नहीं दी, मेरी बच्ची के साथ में। वैसे सखपाल मुंबई में रहने वाला अकेला है, उसका कोई परिवार नहीं है, ना कोई आगे पीछे। काम है उसका एक भाई है जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। तो केड़ी ये सखपाल के जूतों के निशान की फोटो जो यहाँ मिले थे, सेम साइज, सेम शूज, सेम मैन, बिल्कुल क्लियर है। सखपाल बेबी अन्या को लेकर फरार हो गया। जूतों के निशान पुलिस मैच कर चुकी है। योर ऑनर,
निशान सतपाल के जूतों के ही हैं। वो फिरौती के पैसे मांगने ही वाला था कि उसके पीछे पुलिस पड़ गई, जिससे बचते बचते सतपाल का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद से वो अब तक कोमा में। अनफॉर्चुनेटली हमें बेबी अन्या का अब तक कुछ पता नहीं चला है। जिस गाड़ी में सतपाल का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी की डिक्की से एक लाश भी मिली, जो सतपाल के चाचा और मिस्टर खोसला के पुराने ड्राइवर जगमोहन की थी। उस लाश के हाथ से ये झुनझुना भी मिला, जो बेबी अन्या का है। जगमोहन की हत्या कैसे हुई? गला घोटने से, इस गमछे से। ये भी उसी डिक्की से मिला और ये गमछा सतपाल का। इससे एक बात साफ जाहिर है, जगमोहन भी इस किडनैपिंग में शामिल था। प्रोसिक्यूशन का ये दावा है योर ऑनर कि चाचा भतीजे ने ये किडनैपिंग प्लान की, उसके बाद दोनों में कुछ डिस्प्यूट हो गई और सतपाल ने अपने चाचा जगमोहन की हत्या कर दी। वो उनकी लाश को गाड़ी में डालकर कहीं फेंकने ही जा रहा था कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई। अब सिर्फ सतपाल ही जानता है कि बच्ची कहाँ है और जब तक वो होश में नहीं आ जाता, बेबी अन्या को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मिस्टर पाठक, आप अपने क्लाइंट की मौजूदगी के बिना उसका केस कैसे लड़ेंगे? वो भी एक मर्डर और किडनैपिंग का केस। शायद इनका क्लाइंट बेहोशी की हालत में इन्हें राह दिखा रहा हो। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, आपको कैसे पता? आपका फोन दिखाएंगे? प्लीज प्लीज। ये देख, वो बहू, वही फोन मेरे पास भी, वही मॉडल है, वही रंग। इसका ये अर्थ नहीं होता कि आपका फोन मेरा हो गया। मेरा फोन मेरा है, आपका फोन आपका। उसी प्रकार से वो जूते और पैरों का साइज किसी और का भी हो सकता है। लेकिन चाबी का क्या मिस्टर पाठक, जिससे सतपाल घर में घुसा? योर ऑनर, पुलिस को सतपाल की जेब से ये चाबी मिली। ये ड्यूप्लीकेट चाबी है मिस्टर रवि खोसला के घर की। एक दो महीने नए ड्राइवर की जेब से घर की चाबी, इज़न्ट इट स्ट्रेंज मिस्टर पाठक? योर ऑनर, उसकी जेब से ये चाबी मिलना सिर्फ उसके इरादों का ही नहीं बल्कि उसके जुर्म का भी सीधा सबूत है। मिस्टर पाठक, शी इज राइट। इस बारे में आप क्या कहेंगे? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर तो सतपाल होश में आने के बाद ही दे पाएगा। अंततः कुछ प्रश्न मेरे भी, जैसे कि अभी अभी मिस खान ने कहा कि बेहोशी की हालत में, कोमा की हालत में सतपाल ने मुझे राह दिखाई, वास्तविकता में दिखाई। योर ऑनर, सतपाल के जूते योर ऑनर मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप गौर से इन्हें देखें। सतपाल दाहिने पांव से लंगड़ा कर चलता है। योर ऑनर, दाहिने पांव के जूते को देखने से पता चलता है कि उसकी एड़ी का हिस्सा बिल्कुल नया है, किंतु आगे से जूता घिसा हुआ है, जिसका ये अर्थ निकलता है योर ऑनर कि जब सतपाल चलता है तो दाहिना पांव कुछ इस प्रकार से रखता है कि एड़ी फर्श को नहीं छूती। तो स्पष्ट है योर ऑनर, जब उसके जूते के निशान पड़ते होंगे तो दाहिने पांव के जूते का निशान दाहिने पांव के जूते के एड़ी का निशान फर्श में नहीं पड़ता होगा, जिसका ये अर्थ निकलता है योर ऑनर कि पुलिस को जो जूतों के निशान घटनास्थल से प्राप्त हुए वो सतपाल के नहीं किसी और के, क्योंकि वो पूरे पांव के निशान है। और वो गाड़ी मिस्टर पाठक? कौन सी गाड़ी? जिसे उस वक्त सतपाल चला रहा था। नहीं, किसने देखा सतपाल को चलाते हुए? रवि खोसला साहब, क्या उन्होंने देखा सतपाल को चलाते हुए? नहीं देखा होगा यार, जिसका ये अर्थ निकलता है कि सतपाल अपहरणकर्ता नहीं हो सकता। सर, अभी अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपकी अन्या हमारे पास है। हेलो, तुम्हारी बच्ची हमारे पास है। देखो, तुम चाहते क्या हो? देखो, मेरी बच्ची को कुछ मत करना प्लीज। अगर ऐसा चाहते हो तो उसकी दो कीमतें होंगी। पहली कीमत 80 लाख नकद,
कब कहां और कैसे इसके लिए मेरे अगले फोन का इंतजार करना। और दूसरी कीमत? मेरे आदमी सतपाल सिंह को छोड़ दो। मुझे पता है कि पुलिस तुम्हारे साथ है, इसलिए उनसे कहो सखबाल अगर आजाद होगा तो तुम्हारी बेटी आजाद होगी। मेरी बात तो सुन। आई न्यू इट, वो किडनैपर्स का एक गैंग होएगा और वो ड्राइवर गैंग मेंबर। इसने पहले अपने अंकल को मारा और फिर पकड़ा गया, इसलिए तो बाकी के लोग उसको छुड़ाना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है बिली, अक्सर जब किसी गिरोह का एक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो बाकी के व्यक्ति उससे दूरी बढ़ा लेते हैं ताकि उसके साथ पकड़े ना जाए। तो हो सकता है कि बाकी के किडनैपर्स को शक हो कि अगर उन्होंने सखपाल का साथ छोड़ दिया तो वो उनका पता उगल देगा। वो तो पुलिस उगलवा ही लेगी, मतलब अगर सखपाल उस गिरोह का मेंबर हुआ तो। सर आपको अभी भी लगता है कि सखपाल का इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं? ये फोटोग्राफ्स देख, इन फोटोग्राफ्स में साफ दिख रहा है कि किडनैपर पहले जब घर में आया सीधा उस बच्ची अन्या की तरफ गया, लेकिन उसे उठा के जब जा रहा था पहले डाइनिंग टेबल की ओर मुड़ा और फिर दरवाजे की ओर गया। सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चे को उठा रहा था तो बच्चे को उठा के भाग जाता, डाइनिंग टेबल की ओर क्यों गया? इसका मतलब ये हुआ कि जाते समय सडन डिटू। इसका अर्थ ये है कि डाइनिंग टेबल पर कोई ऐसी विशेष वस्तु रखी हुई थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। सर पता नहीं कैसे निशान आ गया यहाँ पे। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मिस्टर पाठक अब मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि इस किडनैपिंग में सखपाल का कोई हाथ नहीं है। क्या कहा तुम? अभी भी तुमको शक है? उस किडनैपर ने खुद कहा कि वो आदमी उनके साथ में था और उसके जेब में हमारे घर की चाबी पाई गई है। शक है? वो चाबी मैंने ही उसे दी थी। दरअसल दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम। नया नया ड्राइवर हमने रखा था अभी उसको, एक स्ट्रेंजर था वो घर के लिए और तुमने उठा के उसकी चाबी दे दी। अरे पागल हो गई हो तुम। मैं पागल हूँ और तुम्हारे पागलपन की क्या हद है? पेंटिंग में इतने मशगूल हो गए, तुम्हारी नाक के नीचे से बच्ची को उठाकर ले गया और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ इस बात का। क्या संभालूं मैं आखिर, घर ऑफिस सब कुछ? दीदी प्लीज शांत हो जाइए। किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता तुमसे। आपको शक है किसी पर? शेट्टी सर, शेट्टी। कौन शेट्टी? हाँ जी, वो मेरी ऑफिस का एक प्यून था जो ठीक से काम नहीं करता था, तो मैंने बहुत से कंप्लेंट कर दी और उसे नौकरी से निकाल दिया। और हाँ सर, इस एक रात शेट्टी शराब पीकर घर में आया था और बहुत धमाल किया था उसने। मिस्टर पाठक, मेरे कार्ड्स की शक्तियाँ भी यही कहती हैं कि इन सब चीजों के पीछे शेट्टी ही है। केड़ी सर, पिछली बार भी योगिता जी की शक्तियों ने कहा था आन्या एक दिन में घर आ जाएगी। आई कोई अता पता है शेट्टी का कोई फोन नंबर? एक सेकंड। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है, एड्रेस ढूंढना होगा। सर अननोन नंबर से कॉल है, प्लीज ट्रेस करवाइए प्लीज। ये कॉल ट्रेस नहीं हो सकता, इंटरनेट द्वारा फोन कर रहा है। हेलो, पैसे का इंतजाम हुआ? देखो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले मुझे मेरी बच्ची से बात करनी है। चलो इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। सुन आया, आया, आया।
लिया। अब मेरी बात सुन, कल सुबह 11 बजे तक पैसे रेडी रख, 80 लाख फ्रेश नोट, अलग अलग सीरियल नंबर के, समझा? जगह के लिए मैं वापस फोन करूंगा, और जिस बैग में पैसे देने हैं वो तुम्हारे दरवाजे के बाहर है। सर शेट्टी एकदम गायब हो गया है, घर पर भी नहीं है और पड़ोसियों को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। मुझे तो लगता है कि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड वही है। तो तभी पता चलेगा जब वो हाथ में आएगा। ठीक, ये ड्यूटी किसने लगाई है? डीसीपी साहब ने कहा है कि जब तक इसे होश ना आए इसकी निगरानी रखनी है। मैं डर है कि कहीं इसका पार्टनर इसे छुड़वा के ना भागे। निगरानी रख रहा है ये? क्या गेम खेल रहा है? ऐसे ही खेल रहा हूँ यार, बोर हो रहा हूँ बैठा बैठा। चल तेरी बोरियत दूर कर दो। देख पहली का उत्तर दे। नहीं केडिया, 342 लेवल पे हूँ। चल ठीक है, खेलते खेलते सुन ले, अगर उत्तर आता हो तो जवाब देना। एक आदमी था दसमाले पे रहता था, सवेरे काम पे जाता था, लिफ्ट से नीचे आता था ग्राउंड फ्लोर तक, लेकिन जब काम से लौट के आता था शाम को तो केवल 7 माले तक जाता था। 7 माले पे लिफ्ट से उतर कर 10 माले तक पैदल जाता था। क्यों? हाँ तो हो सकता है ना कि एक्सरसाइज करने के लिए 3 फ्लोर सीढ़ियों से जाता होगा। कई बार मैं भी लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ यूज करता हूँ, क्या हो गया इसमें बड़ी बात है? तेरे बिल्डिंग में लिफ्ट ही नहीं है, तो 2 माले पे रहता है। वे तुम्हारी पहेली मुझे परेशान करेगी। तुम एक काम करो, मेरा पीछा छोड़ो और इस केस का भी पीछा छोड़ो। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किडनैपिंग के केस में एक वकील का क्या काम है। अब क्या है दवे कि जब किडनैपर मिल जाएगा तो आनिया भी मिल जाएगी, और जब आनिया मिल जाएगी और किडनैपर मिल जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि सकपाल का इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। ये भी साबित हो जाएगा कि सकपाल निर्दोष है। तो अब यही मेरा केस है, किडनैपर को ढूंढना, यही मेरा काम। तो उठाओ इसे और पूछो अपने क्लाइंट इस किडनैपर से। पिछली बार इसके पैर ने कुछ बता दिया था, हो सकता है इस बार इसके हाथ कुछ बता दे। तो जीनियस है यार। तो हो गया तुम्हारे क्लाइंट का काम। किडनैपर का फोन आया रवि खोसला के पास, उसने कल सुबह 10 बजे जीएम कॉलेज के पिछले गेट पर बुलाया, पैसों के साथ 80 लाख रुपए। अब मैं इस केस को टेक ओवर करूंगा। हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, डिपॉजिट, सब कुछ सभी आने आ जाए। हमारी आनिया के लिए कुछ भी नहीं है, तुम घबरा मत, भगवान हमें इससे ज्यादा देगा। और तुम देखना, कल हमारी अन्या घर आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आपने ये नोट पर मार्किंग क्यों की? अगर किडनैपर को पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चले, बहुत हल्की मार्किंग है, सिर्फ सूरज की रोशनी में दिखाई देती है। किडनैपर जैसे ही नोटों को खर्च देगा वो पकड़ा जाए। ये आपके साथ पुलिस? घबराइए मत, आपके साथ कोई नहीं आएगा। लेकिन रवि, देखो शालू, मैं अन्या का बाप हूँ, मुझे फैसला लेने दो। किडनैपर को अगर पता चल गया ना तो अन्या की जान को खतरा हो सकता है। मैं ये नोट लेके जाऊंगा, भले वो लेके जाए नोट को। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं अकेले जाऊंगा। जाइए। नहीं, मैं पहुंच गया हूं यहां पे, यहां देख लिया मैंने, लेकिन तुम हो कहां? रवि साहब, उसने बैग गमले के पास रख दिया, अब क्या करें सर? नजर रखो। रवि सर, यहाँ पर बैग लेकर चला गया। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो। ओके सर।
पुलिस बैग खोल के दिखा। जल्दी सर, यहां तो कई लोगों के पास ऐसा ही बैग है। सबके पास एक जैसे बैग। किडनैपर ने जीएम कॉलेज के स्टूडेंट्स को मेल भेजा है कि जो भी उसे नीले रंग का बैग लाएगा उसे लकी ड्रॉ में लाखों मिलेंगे। उस मेल को ट्रेस किया? नहीं, कोई अनट्रेसेबल सर्वर है, वही नेटवर्क जिससे उसका फोन आता है। आप समझे किडनैपर ने वो बैग रवि और शालिनी को क्यों दिया? हमें गुमराह करने। सर वो जो भी हो पैसा तो मिल गया उसे। कसम वो हमारी आन्या को। दीदी मेरे टैरिट कार्ड के हिसाब से आन्या इस वक्त शेट्टी के पास होनी चाहिए, वही पियोन जिसको आपने नौकरी से निकाला था। शेट्टी की खोज चल रही है योगिता जी। क्या हूं? एक तो पुलिस को वहां बुलाते हो और ऊपर से नोटों पर मार्किंग ताकि मैं पकड़ा जाऊं। ये सारे पैसे मेरे लिए बेकार हैं। तुमने अपना वादा तोड़ा, अब मैं अपना वादा तोड़ता हूं। तुम्हारी बच्ची गई। नहीं प्लीज, मेरी आन्या को कुछ नहीं करना। हेलो पिछली बार उसकी हंसी सुनी थी, अब उसकी चीख सुन। हेलो केडी, अब किसी भी तरह सकपाल को होश में लाना होगा, वही हमें अपने साथियों तक पहुंचा सकता है। This is just absurd, Mr. Pathak. आप कब तक एक बेहोश बेजुबान की जान बचाते रहेंगे? Your Honor, कल ही मैंने उस बेहोश बेजुबान व्यक्ति के हाथों पर ध्यान दिया। Oh God! पहले जूते अब हाथ। You're funny, Mr. Pathak. No, please hear me out. Your Honor, सकपाल के दाहिने हाथ पर एक तावीज बंधा हुआ था। Your Honor, 20 दिन पूर्व काशी के दशावतार महाराज का यही मुलुन के हॉल में सत्संग हुआ था। उनके हजारों भक्त वहां उपस्थित थे और हर भक्त को उन्होंने ऐसा एक तावीज दिया था। योर ऑनर, सकपाल के हाथों में ये तावीज होना इसका ये तात्पर्य निकलता है कि वो उस समय सत्संग में उपस्थित थे। What I don't get is कि इस बात का इस किडनैपिंग केस से क्या कनेक्शन? कनेक्शन ये है मिस खान कि जिस समय
ये किडनैपिंग हुआ उसी समय सत्संग भी चल रहा, तो अगर सकपाल सत्संग में था तो किडनैपिंग कैसे कर सकता है? मिस्टर पाठक, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि सकपाल उस सत्संग में गया ही था? वो ताबीज तो कोई भी उसे दे सकता है, कोई उसका दोस्त, कोई जानने वाला। योर ऑनर, दुर्भाग्यवश उस सत्संग का वीडियो है नहीं हमारे पास, वरना ये स्थापित हो जाता कि उस समय सकपाल उस सत्संग में ही था। सकपाल दोषी है और इस बात की गवाही उसका अपना सगा भाई देगा। साहब, सकपाल हमारे बड़े भैया है, हम दोनों का गाँव इठावा है, हमारे बाबू जी के पुरखों की जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम पे रखी है। साहब, सकपाल भैया एक महीने पहले हमारे गांव आए थे। तो सुन ले जना, ये खेती किसानी ना तोरे बस की बात नहीं है, वो जो जमीन पड़ी है उसको आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं, काहे कि हमको उसमें फसल लगाना है, ये ड्राइवरी कर करके थक गए हैं हम। तो ठीक है भैया, रख लो अपना आधा जमीन, मैं तो अपना आधा जमीन बेच कर चला जाऊंगा दुबई। ए, पगला गए हो का? जमीन बेचना है तो हमको बेचो। तो पैसे आएंगे कहाँ से जमीन खरीदने के? और पता भी है क्या दाम चल रहा है? क्या दाम चल रहा है? 80 लाख रुपए। 80 लाख? हाँ, और ठाकुर साहब ने तो हमें ऑफर भी दे दिया। हम तो सोच रहे अपना हिस्सा उन्हें भेज दूँ। नहीं 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 नहीं, देख वो कमीने ठाकुर को जमीन नहीं बेचना, समझ गए ना? हम करेंगे ना इंतजाम, हम करेंगे पैसे का इंतजाम, लेकिन वो पुश्तैनी जमीन बेचना नहीं किसी को। तो पैसे आएंगे कहाँ से? वही तो हम सोच रहे हैं, एक प्लान है हमारे दिमाग में। 80 लाख। किडनैपर ने खोसला परिवार से ठीक इसी रकम की मांग की है, 80 लाख। अब तो ये काफी ऑब्वियस है, सकपाल फिरौती के पैसों से अपने भाई की जमीन खरीदना चाहता था। मिस खान, एक मिनट, एक शंका है मेरे मन में। आपके अनुसार सकपाल का एक पार्टनर इन क्राइम था, भागीदार, राइट? जी हाँ। तो मतलब अगर भागीदार होता है तो पैसे तो बढ़ जाते आधे आधे, मतलब केवल 40 लाख रुपए उसके हाथ में आते, 80 लाख रुपए की आवश्यकता थी तो वो 1.60 करोड़ मांगता था कि 80 लाख उसके हिस्से में आए, नहीं? मिस्टर पाठक, अब ये मैच समझने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को जगाना पड़ेगा, या फिर लेट मी गेस, जूते हाथ पैर तो आपने पढ़ लिए, शायद आप अब उनका माथा पढ़ेंगे, राइट? एक दो बात और है साहब, हमने मैडम जी को नहीं बताया था, हमारे सकपाल भैया और जगमोहन चाचा के बीच बनती नहीं थी साहब। दूसरी बात यह है साहब, जिस दिन सकपाल भैया का हादसा हुआ था उन्होंने सुबह हमें इटावा में फोन किया था साहब। हाँ भैया, पैसे का इंतजाम हो गया? अरे पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा, एक बात बता, तू तो दो बच्चों का बाप है ना रे, हैं? और हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी, 2 साल के बच्चे का क्या खुराक होता होगा? क्यों भैया, कोनो बच्चा गोद लेने की सोच रहे हो? नहीं रे, जो पूछ रहे हूँ बता। अरे एक मिनट, चुप हो जाना मेरी मैया, चुप हो जा, चुप, चुप, बात कर रही, देख रही है। अरे भैया, कोनो बच्चा है क्या वहाँ? अच्छा सुन, हम बाद में बताते हैं तेरे को, समझ गए? सुना आपने मिस्टर पाठक, 80 लाख की जरूरत, बच्चे की देखभाल पर अचानक से सवाल और बैकग्राउंड में बच्ची की रोने की आवाज। I'm sorry, पर अब तो कोई मंदबुद्धि भी ये बता सकता है कि सकपाल ने ही बच्ची को किडनैप किया और फिर अपने चाचा का मर्डर किया ताकि उसे पैसे शेयर ना करने पड़े। मिस्टर पाठक, इस गवाही के बाद तो ये केस बिल्कुल क्लियर है, आपका मुवक्किल वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। उसके होश में आते ही यह अदालत उस पर अपना फैसला सुना देगी, तब तक सकपाल के जरिए उस बच्चे तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। केडी, अब तो एडमिट कर लो कि तुमने गलत आदमी का केस हाथ में ले लिया, जब इसका भाई इसके खिलाफ बोल रहा है तो ये मासूम कैसे हो सकता है? तो एक बात बोल रहा है, तुम्हें भाई भाई के बीच में फूट तभी पड़ती है जब फूट का कोई विषय, उदाहरण के रूप में ये जमीन 70 लाख रुपए की, जो समय आधी सकपाल की है, लेकिन सकपाल के जेल जाने के बाद में जनक पूरी जमीन हत्या लेगा। तो तुम्हें लगता है कि जनक उस जमीन की खातिर अपने भाई को फंसा रहा है? होने को तो हो सकता है। साबित कैसे करोगे? बस एक बार
शट्टी का पता चल जाए तो संभवतः ये केस भी, जो भी हो मैं अपना काम तो कर लूंगा। वो तुझे एक रिडल दिया था, पहली उत्तर मिला? हाँ केडी, मैंने बहुत सोचा। एक आदमी है जो 10वें फ्लोर पे रहता है, लिफ्ट से नीचे उतरते समय ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन ऊपर चढ़ते समय 7वें फ्लोर का बटन। वही तो पूछ रहा हूँ कि 7 माले से 10 माले तक पैदल क्यों जाता है। हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली है, लेकिन मुझे जवाब मिल गया। वो क्या है कि जब वो काम से वापस आता है तो 7वें फ्लोर पे उसकी गर्लफ्रेंड रहती होगी, वो गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय बिताता है और फिर अपने घर जाता है। फिर 7 माले से 10 माले तक लिफ्ट में भी जा सकता था, सीढ़ियों से है क्या? नहीं, पहले तुम ये बताओ कि 7वें फ्लोर पे उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं, उसकी 7 माले पे कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। सोच, उत्तर मिल जाएगा तो बता देना। दीदी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया था, इसका मतलब हमारी किस्मत अच्छी है, आन्या को कुछ नहीं होगा। बस करो तुम्हारी ये बकवास। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थक चुकी हूँ मैं ये सुन सुन के। कहाँ है मेरी बच्ची? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो। जब से वो बैग पकड़ा गया, किडनैपर ने एक बार भी फोन नहीं किया। अगर उसने मेरी बच्ची को कुछ कर दिया तो। वैसे योगिता जी, जिस दिन अन्या का अपहरण हुआ आप कहाँ थी उस समय? मैं अपने घर पर ही थी, लेकिन जैसे ही जीजा जी ने फोन करके मुझे अन्या के बारे में बताया तो मैं फौरन आ गई थी। ये जो अन्या के हाथ पर निशान है, ये कैसे बचपन से? पता नहीं। आप अन्या की माँ हैं, पता नहीं मतलब? मिस्टर पाठक, दरअसल अन्या हमारी अपनी औलाद नहीं है। एक साल पहले हम उसको अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, हमने उसे गोद लिया था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? दरअसल इसमें बताने वाली क्या बात है। अच्छा, तो ये संभावना पैदा होती है कि अन्या का अपहरण उसके पहले माता पिता ने किया हो, या आप लोगों के पास आई उसके पहले उसके जीवन में कोई घटना घटी हो जिसके कारण उसे किडनैप किया गया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? दीदी, कार्ड ऑफ डेस्टिनी। दीदी, मुझे मिस्टर पाठक की बात बिल्कुल सही लग रही है। आदर। अरे नहीं यार, उस लिफ्ट वाली पहेली का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। क्या? नहीं नहीं, वो जवाब नहीं है, मैं ट्राई कर चुका हूँ। मैं मलाडीज के सिद्धार्थ नगर में आया। हाँ, कुछ काम था उसी केस के सिलसिले में। केडी सर ने मना किया कुछ भी बताने का। बाय बाय दबे, बाय। हाँ साहब, अन्या मेरी बेटी है। 5-5 औलादे हैं मेरी, कमाने का कोई ठीक जरिया नहीं, कैसे पालती? इसलिए उसे मैंने अनाथालय की मदद से एक अच्छे घर में दे दिया। लेकिन बात क्या है? बैग किसका है? बैग? साहब क्या कर रहे हैं आप ऐसे कैसे अंदर? साहब ये मेरे पति का बैग है, इसमें उसका इलेक्ट्रिक का सामान रखा हुआ है। एक मिनट, मुझे देखना होगा। आप ऐसे कैसे देख सकते हैं साहब? छोड़िए इसे। ये इलेक्ट्रिशियन का सामान है। साहब बोलो, क्या तुम दोनों ने उस बच्ची को किडनैप किया है? नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मेरे को कुछ नहीं पता,
मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि इस बैग में पैसे हैं। वो तो मेरा पति मंगेश कल रात को ये बैग लेकर आया और उसने कहा कि इसमें सामान है। इस वक्त तुम्हारा पति मंगेश कहाँ मिलेगा मुझे? मेरे को नहीं पता साहब, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि आनिया किडनैप हुई और मुझे शक है कि पैसों के लिए मंगेश ने उसे किडनैप किया है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। बोले कहाँ है वो? मेरे को नहीं पता साहब। क्या बात है, आज पैसे पे पैसे डाल रहा है, बड़ी लॉटरी लगी है क्या? ऐसा ही समझ। तुम लोगों में मंगेश कौन? क्या इलेक्ट्रिशियन का काम है क्या? नहीं, 80 लाख का काम। पुलिस का खबरी है तू? बता बच्ची का है? मैं पूछ रहा हूँ तुझे किसने भेजा मेरे पीछे? पहले बता बच्ची का है? पिछली बार उसकी हंसी सुनी थी, अब उसकी चीख सुन। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.